ये माइलस्टोन है और यहाँ पे लिखा हुआ है महेंद्रनाथ मोड़, और महेंद्रनाथ मंदिर जो है यहाँ से 6440 मीटर यानी 6 किलोमीटर 400 मीटर के आसपास है, और यही है वो रास्ता जो महेंद्रनाथ मंदिर जाता है। संयोग से महेंद्रनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री भी आए हैं और बड़े बड़े मंत्री भी आए हैं, लेकिन बैरियर लगा है, आप देखिए एगो लोहा का बैरियर लगा है। और संयोग से ये रसूलपुर चट्टी है, रसूलपुर चट्टी समझते हैं, खेसारी लाल यादव जी यहीं के हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो भी यहाँ पे अपना बैनर लगवाए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है महेंद्रनाथ हाल्ट स्टेशन पर पैदल ऊपरगामी पुल। अब अगर आपको महेंद्रनाथ जाना है तो आपको पैदल जाना होगा, नहीं तो मोटरसाइकिल से जाना होगा, बस इधर से नहीं जाता है, काहे कि इधर बैरियर लगा दिया गया है। अब बैरियर काहे लगाया गया है वो भी बता देते हैं, और हम काहे यहाँ आए हैं वो भी बता देते हैं। हम आज सिसुअन में थे तो यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती किया कि आप हर जगह वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो नहीं बनाइएगा। तो हम बोले कि 4:30 बजे आएंगे, अभी संयोग से 4:30 बज रहा है। वो लोग बोले थे कि हम लोग 50-100 लोग रहेंगे, लेकिन एक भी आदमी उसमें से यहाँ पे नहीं है। ये सब तो ऐसे ही हमको देख के जो है ना मोबाइल निकाल लिए हैं लोग। चलिए अभी रास्ता जो है ना ये सिवान जाता है, यहाँ से सिवान 30 किलोमीटर है और यहाँ से छपरा जो है 37 किलोमीटर है। 37 और 30 यानी 67 किलोमीटर के बीच में एगो टोल है जिस पे हम पैसा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं, और टोल वाला गाड़ी जो है ना इधर से ना गुजरे इसके लिए यहाँ पे बैरियर लगा दिया गया। अब इसके वजह से इस बाज़ार के व्यापारियों को और इसके आगे के बाज़ार के व्यापारियों को दिक्कत होता है। संयोग से ही लोग आवाज़ उठाते हैं, नेताजी अपना बैनर लगवाते समय कहते हैं कि हम ये बैरियर हटवा देंगे, लेकिन टोल वाला शायद से मुहुआ में कुछ डाल देता है, चुप हो जाते हैं लोग। और यहाँ इस बैरियर के वजह से इस पूरे एरिया के लोगों को दिक्कत होता है। आप ज़रा बताइए किसी की बेटी की शादी हो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे तो वो 30 किलोमीटर सिवान होके घूम के थोड़ी आएगा, लॉजिकली बात है। लेकिन ये सिंगल रोड है, हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ बिहार में सिंगल रोड को नेशनल हाईवे बना दिया गया और रिपेयर भी नहीं किया जाता है और उस पर टोल लिया जाता है। यह सिंगल रोड है, फोर लेन रोड नहीं है, जबकि नियम है, हम लोग भी सिविल इंजीनियर हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, नियम है कि 4 लेन रोड अगर वेल मेंटेनेंस वेल कंडीशन में हो तब उस पर टोल लेना है, वरना नहीं लेना है। जो टोल का पैरामीटर है वो भी पैरामीटर फुलफिल नहीं करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, समस्याओं को बताते हैं, और कैमरा जब सामने आता है तो भाग जाते हैं। चलिए फिर भी हम कुछ लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए, देख लीजिए सामने है। अब देखिए इधर, चाचा क्या नाम है आपका? तारकेश्वर सिंह। अच्छा, ये जो बैरियर लगा है उससे दिक्कत होता है ना? जी दिक्कत तो है ही है। तो काहे नहीं आवाज़ उठाते हैं? हम लोग का आवाज़ उठाएंगे। मतलब देश के लोगों ने जिम्मेवारी दे दिया है कि आवाज़ उठाने का काम मीडिया वाले लोग करेंगे या नेता करेंगे, इसीलिए मीडिया और नेता क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। क्या नाम है आपका? रोहंश मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, ये बैरियर की वजह से दिक्कत होता है? होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। होता है। अच्छा चलिए, इधर एगो रेबन का चश्मा पहन के सर खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकांत हुआ। अच्छा, इस बैरियर से दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। क्या क्या दिक्कत होता है? गाड़ी आने जाने में असुविधा होती है। अच्छा, ये बैरियर क्यों लगा है? अब बैरियर क्यों लगा ये तो सरकार ही बता सकते हैं। 2 किलोमीटर बगल से उसको गुजरना होगा तो क्या बैरियर की वजह से वो 30 किलोमीटर घूम के आएगा? ये है बिहार, अब बिहार सरकार का ये है विकास। अगर नेताजी लोग ठीक होते तो ये बैरियर हट गया होता, सही कि नहीं? क्या नाम है? दिनेश यादव। क्या? दिनेश यादव। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग फील्ड वर्किंग का काम करते हैं। मतलब पान खा के रोड पे थूकने के अलावा उसके अलावा बताइए? फील्ड वर्किंग का काम करते हैं, जैसे कुरियर बॉय का काम करते हैं हम लोग। चलिए, लेकिन पान मत खाया कीजिए, उससे जो है ना लाल पीला हो जाता है, सही है कि नहीं? हाँ, क्या नाम है? हमारा संजय कुमार गुप्ता नाम। गुप्ता जी, खैनी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थूकिएगा मत इधर उधर, ठीक है ना?
चूंकि गंदगी नहीं फैलाना है, इस टोल के वजह से दिक्कत होता है, इस बैरियर के वजह से दिक्कत होता है। क्या क्या दिक्कत होता है? वो गाड़ी वाड़ी जाने में चाहे लोगों लोगों में कोई आदमी अलमारी उलमारी लाता रहता था, इसे बहुत दिक्कत होता है। अब जरा सोचिए ऐसे विकास होगा बिहार का? नहीं ना, गुजरात में ऐसा देखे हैं आप लोग? नहीं, गुजरात में तो देखिए ये जबरदस्ती हमको बुला रहे हैं। आई हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा परभंस मिश्रा, रसूलपुर ग्राम पंचायत रसूलपुर। हमारा गांव में ना बाल्टी बताया, ना साबुन बताया, ना मास्क बताया, सारा मुखिया जी खा गए। अच्छा मुखिया जी, चुनाव हुआ था कि नहीं अभी? बाकी अब है, उसके पहले खा गए। आप एंटी पार्टी के हैं क्या? नहीं, विरोधी क्यों है? किसी से पूछ लीजिए, हमारे गांव के भी है, बताया है जी? है जी, कोई पंचायत नहीं बताया मैंने। और किसी से? देखिए ये बिहार है और इसमें बात बात में बवाल होते रहता है। हम किसी और मुद्दा पे आए हैं, नहीं बोलिएगा। देखिए देखिए चाचा, हमारे पे उंगली उठा दिए। आप कह रहे हैं ना कि बिहार है, तो बिहार में तो अभी खोज रहे हैं कि बैरियर खुल जाए। हम मुखिया जी लोग बाल्टी लूट ले, गरीब का मास्क लूट ले, साबुन लूट ले, नहीं मिलना चाहिए। चलिए हम बात करेंगे महंगाई पे तो ये बात करेंगे बेरोजगारी पे, हम बात करेंगे बैरियर खुलवाने का तो ये बात करेंगे मुखिया जी पे। और जब मुखिया जी लूट रहे थे तो चाचा एक बार भी मुखिया जी के खिलाफ एप्लीकेशन थाना में या कोर्ट में नहीं दिए, लेकिन आज जो है थोड़ा सा मीडिया को देख के उनका भड़ास निकल गया। चलिए यहाँ पे बहुत सारे, कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, मैंने अरे लेमिनेशन में से। अच्छा, कहाँ पे लाल पीला हुए हैं? लाल पीला गए थे लेमिनेशन में। किसके नॉमिनेशन में? मुखिया जी का। अच्छा, मुखिया जी से बोले हैं ये बैरियर खुलवाने का? यहाँ का मुखिया नहीं है, वो आसानी पंचायत का, ये रसूलपुर पंचायत आता है। इधर से रास्ता है जाने? हाँ हाँ, इधर से। उस पंचायत के लोगों को भी दिक्कत होता होगा? हाँ होता है, होता है बहुत। मुखिया जी से बोलिए कि बैरियर के खिलाफ जो है आवेदन दे, तभी वोट देंगे। ठीक है बोलेंगे, बोलिएगा। हाँ बोलेंगे। चलिए ठीक, क्या नहीं बोलेंगे? कैसे आपको पता है? नहीं बोलेंगे। क्या है मैंने कहा ना, पक्का बोल रहे हैं नहीं बोलेंगे हम, 100% बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, इनके मुखिया जी कल चलो बोलते हैं, चलो फेसबुक पे पोस्ट करेंगे इसके लिए कि बैरियर खुलना चाहिए, सही है कि नहीं? पोस्ट करेंगे कि मुखिया जी फेसबुक नहीं चलाते हैं। अच्छा, मुखिया जी से आवेदन लिखवा के आप फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, करें, हाँ करेंगे। चलिए देखते हैं, चैलेंज लग चुका है दो लोगों के बीच में। अच्छा लगा, चलिए ठीक है, फेसबुक फॉलो भी करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बस हम लोगों को यहाँ पे कुछ लोगों ने बुलाया था और वो सभी लोग गायब हैं, बाकी दूसरे लोग यहाँ पे हाजिर हैं। हमारा जो कर्तव्य है वो हम पूरा करेंगे और इसको खुलवाने का प्रयास जो है ना हम लोग कर रहे हैं। अगर यहाँ के सभी लोगों ने साथ दिया तो इसको खोल के हटा दिया जाएगा, और नहीं साथ दिया तो ऐसे ही बैरियर रहेगा। शादी ब्याह के समय में बस वस नहीं आएगा, और बाज़ार में जितना भी सामान आता है ना वो सामान सही ढंग से नहीं आएगा। चलिए, बाकी इस देश के जितने भी ईमानदार लोग हैं, जितने भी गुटखा खैनी दारू वारू नहीं पीने वाले लोग हैं, नहीं खाने वाले लोग हैं, वो सभी लोग आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। और रसूलपुर चट्टी से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।